Session 6. Using an offline blog editor. You can also use offline blog software to create a blog in an offline mode and publish the content whenever interconnectivity is available. तो कुछ offline blog softwares होते हैं जब हम अपने जो blogs होते हैं वो create कर सकते हैं जब हमारे पास internet connection नहीं है, तो हमने पूरा create कर लिया और जब internet connection आएगा वो अपने आप post हो जाएगा, ठीक है? तो ऐसे draft save हो जाता है और जैसे internet connection हुआ वो आपका publish हो गया. There are many offline blog editors available. Some of the popular offline blog editors are Qmana, BlogJet, Windows Live Writer or BlogDesk. In this session, we shall learn how to use Qmana. अब हम इसमें देखेंगे Qmana कैसे यूज होता है. Download Qmana from www.qmana.com and install it on computer. पहले हमें Google Chrome या वेब ब्राउजर जो भी आप यूज करते हैं उसमें डालना पड़ेगा इनकी ये www वेबसाइट, उसके बाद इंस्टॉल कर लेंगे अपने कंप्यूटर पर. फिर क्लिक स्टार्ट बटन, स्टार्ट पे क्लिक करेंगे, फिर ऑल प्रोग्राम्स, फिर Qmana. द एड ब्लॉक विजार्ड अपीयर्स, तो ये एड ब्लॉक विजार्ड अपीयर हो गया आपका. एंटर योर ब्लॉक्स URL एंड प्रेस द नेक्स्ट बटन. तो हमने एंटर योर ब्लॉक्स URL, हमने इसमें अपना ब्लॉक का URL, मतलब लिंक होता है ब्लॉक का कि हमारा ब्लॉग है इसका लिंक, ठीक है, उसका हमने लिंक यहाँ पे लग दिया, मतलब यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर बोलते हैं वैसे, तो वैसे लिंक आप समझ लीजिए कि आपने लिंक जा इसका यहाँ कॉपी कर दिया और फिर हमने नेक्स्ट बटन पे क्लिक कर दिया. द लॉग इन विंडो अपीयर्स, एंटर द यूजर नेम एंड पासवर्ड. फिर हमने यूजर नेम और पासवर्ड डाला, ठीक है, जो हमारी आईडी जो हम यूज़ करते हैं ब्लॉग्स के लिए. क्लिक नेक्स्ट फिनिश बटन. इफ पोस्ट आर ऑलरेडी अवेलेबल इन योर ब्लॉग, Qmana विल डाउनलोड एंड डिस्प्ले द एक्सिस्टिंग ब्लॉग्स. अगर अवेलेबल हैं पहले से ब्लॉग तो Qmana वो ही डाउनलोड करके डिस्प्ले कर देगा एग्जिस्टिंग ब्लॉग्स. अगर आपने कोई नया पोस्ट क्रिएट नहीं कर रखा, एज अ ड्राफ्ट सेव नहीं है, तो आपको नया पोस्ट क्रिएट करना पड़ेगा पहले. टू क्रिएट अ न्यू पोस्ट, क्लिक न्यू पोस्ट, अ न्यू विंडो अपीयर्स. तो हम यहाँ पे न्यू पोस्ट का ऑप्शन होगा, यहाँ पे आएगा ये रहा न्यू पोस्ट. इस पर क्लिक करने के बाद हमें इस पर क्लिक करना है, फिर एक और विंडो अपीयर हो जाएगी. एंटर द टाइटल एंड राइट द कंटेंट देयर रिस्पेक्टिव फील्ड. फिर हमने टाइटल लिखा, डेट वगैरह और जो भी हमें लिखना है यहाँ पे वो हमने लिख दिया. क्लिक पब्लिश पोस्ट एंड योर पोस्ट विल बी ऑटोमेटिकली अपडेटेड टू योर वर्डप्रेस ब्लॉग. हमने फिर पब्लिश पोस्ट कर दिया और वो ऑटोमेटिकली अपडेट हो जाएगा हमारे वर्डप्रेस ब्लॉग में. ओके, देन यू कैन ऑल्सो एड टेक्स्ट एंड मीडिया टू योर पोस्ट टू मेक इट अट्रैक्टिव. हम कोई टेक्स्ट मीडिया जैसे इमेज वगैरह भी ऐड कर सकते हैं, इमेज, साउंड क्लिप, कुछ भी. टू एड मीडिया टू योर ब्लॉग पोस्ट फॉलो द गिवन स्टेप्स. क्लिक ऑन द इमेज आइकन प्रेजेंट ऑन द राइट हैंड साइड ऑफ योर एप्लीकेशन. इंसर्ट इमेज डायलॉग बॉक्स ओपन सब. तो एक इमेज डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा इसके बाद क्लिक करने के. क्लिक ऑन ब्राउज टू लोकेट द इमेज यू वॉन्ट टू पब्लिश इन द ब्लॉग. तो एक ब्राउज का ऑप्शन आएगा, उस पर क्लिक करना है तो वो हमें अपनी गैलरी या डेस्कटॉप सारी उसमें लेके चले जाएगा फाइल एक्सप्लोरर में, और फिर हमें देखने पड़ेंगी कौन सी हमें फाइल अपलोड करनी है. ब्राउज विंडो अपीयर्स ओपन अप. सेलेक्ट द इमेज यू विश टू ऐड. कोई भी इमेज हम फिर अब विश करनी है वो कर दीजिए. क्लिक द अपलोड एंड इंसर्ट बटन टू अपलोड एंड इंसर्ट इमेजेस टू योर ब्लॉग. क्लिक पब्लिश पोस्ट. आपका पोस्ट पब्लिश हो गया. ओके, टू व्यू द पब्लिश कंटेंट ओपन अ वेब ब्राउजर एंड टाइप योर ब्लॉग एड्रेस. देन सेशन 7, ऑनलाइन ट्रांजेक्शन. इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स और ई कॉमर्स मीन्स बॉइंग एंड सेलिंग एनी प्रोडक्ट ऑनलाइन. तो ई कॉमर्स क्या है, हम खरीद रहे हैं या बेच रहे हैं कोई भी प्रोडक्ट ऑनलाइन. बेस्ट एग्जाम्पल इसका अमेजोन, फ्लिपकार्ट, ठीक है. परचेज, मैनी कंपनीज हैव सेट अप देयर वेबसाइट्स विच प्रोवाइड द फैसिलिटी टू ऑर्डर एंड परचेज देयर प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज यूजिंग द इंटरनेट. तो बहुत सारी कंपनीज अपनी वेबसाइट्स बना रखी हैं जो प्रोवाइड करती हैं, जो हमें फैसिलिटीज देती हैं कि हम परचेज कर सकें प्रोडक्ट्स और उनकी सर्विसेज यूजिंग द इंटरनेट, घर बैठे बैठे इंटरनेट से. कस्टमर्स हैव द फैसिलिटी टू पे यूजिंग कैश, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड एक्सेट्रा एंड हैव द प्रोडक्ट डिलीवर राइट एट देयर डोर स्टेप्स. तो उनके पास फैसिलिटी होती है कि वे कैश यूज करें, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, और जो प्रोडक्ट होता है वो सीधा उनके घर पे आके डिलीवर हो जाता है. बेस्ट एग्जांपल अमेज़न, फ्लिपकार्ट से आप कुछ भी ऑर्डर कर दो, घर बैठे आपके घर आ जाता है. ई शॉपिंग, ऑनलाइन शॉपिंग मीन्स बॉइंग प्रोडक्ट्स यूजिंग द इंटरनेट. वो कि हम बॉय कर रहे हैं, खरीद रहे हैं
products using the internet. In this session, we shall learn how to shop an online giant Flipkart. तो हम इसमें Flipkart में से सामान कैसे खरीदें वो पता करेंगे. Open www.flipkart.com and click login. हमने साइट ओपन करी, लॉगिन करा. अगर आपका कोई अकाउंट नहीं है तो हमें पहले अकाउंट बनाना पड़ेगा, वो जो साइन अप करते हैं. अगर अपना अकाउंट नहीं है तो सीधा साइन इन हो जाता है, वरना साइन अप करना पड़ता है. एंटर योर डिटेल्स, ईमेल, मोबाइल नंबर और पासवर्ड एंड क्लिक द लॉगिन बटन. तो अगर आपका अकाउंट है तो आप लॉगिन कर लीजिए. ये रहा आपका, यहाँ पे आता है लॉगिन बटन, ये इस पे क्लिक करना है. आपने करा होगा बहुतों ने, तब भी आप समझ लीजिए एक बार. तो लॉगिन जब हम कर दिया, फिर हम जो हमें प्रोडक्ट ऐसे आएगी, लॉगिन स्क्रीन ही है यहाँ पर, आपका नंबर, पासवर्ड और लॉगिन. और एक ऑप्शन और आता है, अगर आपने नहीं कर रखा, ये पूछता है न्यू टू फ्लिपकार्ट, मतलब आप नए हो, आपको कोई अकाउंट नहीं है, तो साइन अप हो जाता है यहाँ पे, तो आपको अकाउंट करना पड़ता है. ठीक है, तो लॉगिन करने के बाद एंटर द प्रोडक्ट नेम इन द सर्च बॉक्स एंड क्लिक द सर्च बटन. अ लिस्ट अपीयर डिस्प्लेइंग ऑल द अवेलेबल प्रोडक्ट्स. देखिए यहाँ पे हमने सर्च करा मोबाइल सर्च बॉक्स में, और फिर सर्च बटन पे क्लिक करा. तो पहले तो लिस्ट अप मोबाइल करा, सर्च कर बटन पे क्लिक कर दिया, फिर अब बहुत सारी लिस्ट अपीयर होंगी मोबाइल्स की हमारे पास. ओके, क्लिक ऑन द प्रोडक्ट यू आर इंटरेस्टेड इन एंड व्यू द डिटेल्स ऑफ द प्रोडक्ट. हम जिस भी प्रोडक्ट में इंटरेस्टेड हैं उस पर हम क्लिक कर सकते हैं, चाहे इस पे या इस पे या इस पे या इस पे. इफ़ यू इट यू आर लाइक द प्रोडक्ट एंड विश टू बॉय इट, इफ़ यू लाइक द प्रोडक्ट, इफ़ यू है ये, इफ़ यू लाइक द प्रोडक्ट एंड विश टू बॉय इट, क्लिक द बॉय नो बटन, अ न्यू स्क्रीन अपीयर्स. तो सपोज करिए हमने ये वाला मॉडल था, हमने इस पर सिलेक्ट कर लिया, तो यहाँ पे अब ऑप्शन आता है एड टू कार्ट और बॉय नाउ. अगर हम इसे अभी खरीदना है तो हम बॉय नाउ पे क्लिक कर देंगे. एंटर द डिलीवरी एड्रेस एंड क्लिक द सेव एंड कंटिन्यू बटन, अ न्यू स्क्रीन अपीयर्स. तो ये डिलीवरी एड्रेस यहाँ पे हमें ऐसे डालना पड़ेगा, अपना नेम, पिन कोड, एड्रेस, लैंडमार्क, सिटी, स्टेट, कंट्री और आपका फ़ोन नंबर, फिर सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करना है. चेक योर ऑर्डर समरी एंड ईमेल आईडी टू गेट ऑर्डर कंफर्मेशन ईमेल, क्लिक कंटिन्यू. फिर हम अपनी ऑर्डर समरी चेक करेंगे और ईमेल आईडी, फिर हमें एक कंफर्मेशन ईमेल आता है कि आपने ये ऑर्डर करा है ईमेल पे हमारे. सेलेक्ट द पेमेंट मेथड, फॉर एग्जाम्पल क्रेडिट कार्ड, एंटर योर कार्ड डिटेल्स. तो अगर हमने क्रेडिट कार्ड डाला है तो हमें सारी डिटेल्स डालनी पड़ती है, कार्ड नंबर, एक्सपायरी डेट, कोड. और अगर कैश ऑन डिलीवरी करा है तो बस आपको फिर कैश ऑन डिलीवरी ऑप्शन के बाद कंटिन्यू करना है, फिर आपको जब घर पे सामान आ जाएगा तब भी पैसे देने हैं. तो अब बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं, नेट बैंकिंग होता है, डेबिट कार्ड होता है. क्लिक सेव एंड पे बटन, चूज एनी मोड ऑफ पेमेंट, यू कैन ऑल्सो चूज कैश ऑन डिलीवरी ऑप्शन इफ द प्रोडक्ट सपोर्ट्स इट. बहुत सारे सपोर्ट नहीं करते पर मोस्टली कर जाते हैं, 70% प्रोडक्ट्स कैश ऑन डिलीवरी होते हैं. तो ये आपकी ऑर्डर समरी आ गई, यहाँ पर रिव्यू कर रहे हैं हम ऑर्डर पूरा, हमने दे पढ़ लिया, फिर हमें कंटिन्यू करना है. अगर आप कार्ड से पेमेंट कर रहे हैं तो ऐसे कार्ड नंबर, फिर एक्सपायरी डेट, नेम ऑफ द कार्ड और CVV टाइप करनी पड़ती है यहाँ पर, और सेवन पे करना पड़ता है. ओके, देन वी हैव एडवांटेजेस ऑफ ई शॉपिंग. टाइम सेविंग, शॉपिंग ऑनलाइन सेव द टाइम रिक्वायर्ड टू ट्रेवल टू अ शॉप एंड लुक फॉर प्रोडक्ट्स. यू कैन चूज अ प्रोडक्ट ऑफ योर चॉइस विद इन मिनट्स ऑन एन ई कॉमर्स वेबसाइट. तो सबसे पहली बात, ये टाइम सेव करता है हमारा बहुत. ऑनलाइन शॉपिंग हमारे टाइम, हमें किसी दुकान पर जाना नहीं पड़ता, प्रोडक्ट्स देखने नहीं पड़ते, भैया ये दिखाओ ये दिखाओ, और हम प्रोडक्ट्स मिनटों में देख लेते हैं और उसे ऑर्डर भी कर देते हैं. वाइड रेंज ऑफ ऑप्शन अवेलेबल, सम मार्केट्स माइट बी फेमस फॉर गारमेंट्स वाइल सम अदर फॉर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड सो ऑन. तो वाइड रेंज ऑफ ऑप्शन, कुछ मार्केट्स सिर्फ गारमेंट्स के लिए फेमस होते हैं, कुछ होते हैं इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए. फाइंडिंग ऑल ऑफ प्रोडक्ट्स इन ए सिंगल मार्केट कैन यूजली गेट डिफिकल्ट. और सब चीज़ें एक मार्केट में मिलना आसान नहीं होता. अगर आप शॉपिंग करने जाते हो तो किसी कपड़े की दुकान में जा रहे हो, फिर दूसरा इलेक्ट्रॉनिक की दुकान दूसरी है, अब एक जगह सब मिलना आसान नहीं होता. पर ई कॉमर्स साइट्स में लाइक अमेजोन, फ्लिपकार्ट और ईबे, ये सब में वाइड रेंज है प्रोडक्ट्स की. यहाँ पे आप इलेक्ट्रॉनिक्स भी मिलेगा आपको, सब मिलेगा, कपड़े भी, गारमेंट्स सब. यू कैन फाइंड इलेक्ट्रिकल अप्लाइंसेज, किचन वेयर, गारमेंट्स, फुटवेयर एक्सेट्रा ऑन वन प्लेटफॉर्म. हर सब चीज़ एक जगह मिल रही है. कॉस्ट सेविंग, शॉपिंग ऑनलाइन सेव्स अवर ट्रेवल फेयर देयर बाय कटिंग द कॉस्ट. हमें कहीं दूर नहीं जाना पड़ रहा,
सपोज करो आपके किरतपुर में आपको सामान नहीं मिल रहा, तो आपको बिजनौर जाना पड़ रहा है वो खरीदने के लिए, तो वो ट्रैवलिंग का कॉस्ट कम हो गया। मोर ओवर देर आर ऑलवेज सम डिस्काउंट्स, और हमेशा डिस्काउंट्स रहते हैं अट्रैक्ट करने के लिए कस्टमर्स को। प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन एंड रिव्यू, ये भी अच्छा है। एवरी प्रोडक्ट ऑन अ शॉपिंग वेबसाइट कम्स विद अ डिटेल डिस्क्रिप्शन, पूरा उसका डिस्क्रिप्शन होता है। जैसे आप गारमेंट खरीदते हो तो ये 100% कॉटन है या नहीं, वो सब लिखा हुआ होता है, साइज रिकमेंडेशन सब। यू कैन ग्लैंस थ्रू द इमेजेस एंड रीड द डिस्क्रिप्शन टू एंश्योर क्वालिटी, हम इमेजेस देख सकते हैं, 5-6 इमेजेस होती हैं। ऑल्सो देर इज एन इंटरेस्टिंग फीचर विच इनेबल द कस्टमर टू राइट रिव्यूज ऑफ द प्रोडक्ट्स, किसी कस्टमर ने हमसे पहले खरीद रखा है तो वो रिव्यू डाल सकता है उस प्रोडक्ट पे, तो ये बहुत अच्छी चीज़ है, हम देख सकते हैं कि वो सही था या नहीं। दिस इज अ ग्रेट टूल, ये बहुत अच्छा है। ऑफ कस्टमर एम्पावरमेंट है, कस्टमर्स आर फ्री टू शेयर बोथ पॉजिटिव एंड नेगेटिव फीडबैक्स, वे पॉजिटिव भी डाल सकते हैं नेगेटिव भी डाल सकते हैं, जो उन्हें लगा वो तो वे डाल देंगे। और ये बहुत अच्छी चीज़ है कि हमें रेटिंग्स और रिव्यूज से अगर सामान खरीदे तो अच्छा रहता है। इट इज एडवाइजेबल टू चेक द रेटिंग्स एंड रिव्यूज ऑफ अ प्रोडक्ट बिफोर इन्वेस्टिंग मनी इन इट, जो मैंने कहा वही। नॉन कंपल्सिव शॉपिंग, यू कैन शॉप एट योर विल, देर आर नो सेल्समैन ट्राइंग टू इन्फ्लुएंस योर डिसीजन, कोई हम अपनी इच्छा से शॉपिंग कर सकते हैं, कोई सेल्समैन जान के नहीं आप खरीद लो मैम सर ये अच्छा लग रहा है आप खरीद लीजिए, ऐसा कुछ नहीं है, अपनी मर्जी है खरीदना है या नहीं। डिसएडवांटेजेस ऑफ ई शॉपिंग, नॉन ट्रस्टेड साइट्स, वन नीड्स टू बी वेरी केयरफुल वाइल डिफ्रेंशिएटिंग बिटवीन ट्रस्टेड एंड नॉन ट्रस्टेड साइट्स, एवरी ई कॉमर्स वेबसाइट इज नॉट अ ट्रस्टेड साइट, और हमें बहुत केयरफुल रहना पड़ता है कि हम कौन सी साइट से सामान मंगा रहे हैं, कुछ ट्रस्टेड होती है कुछ नॉन ट्रस्टेड होती है, और हर एक ई कॉमर्स साइट अच्छे नहीं होते कि हाँ आपने अगर क्रेडिट कार्ड में पैसे दे दिए आपसे ऑनलाइन पेमेंट कर दिया तो क्या पता सामान ना आए, तो बहुत ध्यान से देखनी पड़ती हैं सब चीज़ें। देर आर ए लॉट ऑफ फ्रॉडलेंट वेबसाइट्स ऑफरिंग फेक प्रोडक्ट्स, बहुत सारी फ्रॉड वेबसाइट्स होती है जो फेक प्रोडक्ट्स आपको दिखाती हैं। ऑलवेज बी केयरफुल व्हाइल ट्राइंग अ न्यू वेबसाइट, हमेशा अगर आपको नई जो आपने कभी नाम ना सुना हो या कभी मंगाया ना हो किसी वेबसाइट से, तो एक बार सोचना चाहिए, पूरी इन्वेस्टिगेशन करनी चाहिए आपको। सम वेबसाइट माइट कंपेल यू टू पे इन एडवांस एंड द प्रोडक्ट माइट नेवर रीच यू, होता है ना ऑनलाइन पेमेंट कहने को बोलते हैं कुछ, और क्या पता पेमेंट आपको प्रोडक्ट ना मिले, तो इसमें भी बहुत प्रॉब्लम है। सेकेंड, डाटा सिक्योरिटी, मेकिंग ऑनलाइन पेमेंट्स इज नॉट ऑलवेज सेफ, सम पेमेंट गेटवेज डू नॉट इंक्रिप्ट पर्सनल डाटा लाइक कार्ड डिटेल्स, वाइल जनरेट्स द प्रोबेबिलिटी ऑफ डाटा लीकेज, वन नीड्स टू बी वेरी केयरफुल बाई मेकिंग ऑनलाइन ट्रांजेक्शन। तो ऑनलाइन पेमेंट सेफ नहीं होते, जो पेमेंट गेटवेज होते हैं इंक्रिप्ट नहीं करते हमारी पर्सनल डाटा, और जनरेट हो जाती है मतलब हमारी डाटा लीक हो सकती है, तो बहुत केयरफुल रहना चाहिए ऑनलाइन पेमेंट करते हुए। लैक ऑफ पर्सनल टच, शॉपिंग इज अ लॉट ऑफ फन व्हेन डन विद फैमिली और फ्रेंड्स, हाउएवर इन दिस डिजिटल एरा शॉपिंग हैज ऑल्सो बीन डाइजेस्टेड एंड इट लैक्स अ पर्सनल टच, तो ये भी है एक फैक्टर कि मतलब अब शॉपिंग करने जाते हैं घर वालों के साथ तो बहुत अच्छी होती है, बहुत फन होता है फ्रेंड्स के साथ, पर अब तो सब डिजिटल एरा है, सब घर बैठे सामान मंगा लेते हैं, तो पर्सनल टच खत्म हो गया। शिपिंग चार्जेस, सम वेबसाइट्स और वेंडर्स ऑन वेबसाइट डू नॉट ऑफर फ्री शिपिंग ऑन देयर प्रोडक्ट्स, एडिंग शिपिंग चार्जेस इंक्रीज द कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्ट, तो कुछ वेबसाइट्स ऑफर नहीं करती हैं फ्री शिपिंग, तो हमें अलग से शिपिंग के पैसे देने पड़ते हैं 50-100 रुपीज़, तो ये प्रोडक्ट की कॉस्ट बढ़ा देती है। डिलेड डिलीवरी इन रिमोट एरियाज, मेजोरिटी ऑफ द वेबसाइट्स ऑफर फास्ट डिलीवरी इन मेट्रोपॉलिटन सिटीज, हाउएवर कस्टमर्स इन रिमोट एरियाज नीड टू वेट फॉर क्वाइट सम टाइम टू हैव द प्रोडक्ट रीच टू देम। मेजोरिटी जो वेबसाइट्स होती हैं अमेजोन फ्लिपकार्ट ये बड़े बड़े शहरों में बहुत जल्दी डिलीवरी करा देती हैं, पर जैसे रिमोट एरियाज हैं विलेजेस हैं टाउन्स हैं यहाँ थोड़ा टाइम लगता है तो वेट करना पड़ता है आपको। रिफंड और एक्सचेंज फॉलो ऑफ, नॉट एवरी वेबसाइट ऑफर है हैसल फ्री रिफंड और एक्सचेंज सर्विसेज, समटाइम्स रिगोरियस फॉलो अप्स एंड रिक्वायर टू ट्रैक द स्टेटस ऑफ रिफंड्स और एक्सचेंजेस, हर वेबसाइट ऑफर नहीं करती रिफंड या एक्सचेंज सर्विस, अगर आपने मंगा लिया तो आप वापस नहीं कर सकते, एक्सचेंज नहीं कर सकते, अगर साइज छोटा है बड़ा है किसी गारमेंट का है शूज का कुछ भी। देन वी हैव ई रिजर्वेशन, ऑनलाइन टिकट रिजर्वेशन इज अ वेरी कन्वीनियंट एंड ईजी वे ऑफ बुकिंग टिकट्स, ऑनलाइन टिकट रिजर्वेशन एक वेरी कन्वीनियंट और ईजी वे है टिकट बुक करने की। वी कैन बुक बस ट्रेन और फ्लाइट टिकट्स ऑनलाइन, हम बस ट्रेन और फ्लाइट टिकट्स ऑनलाइन बुक कर सकते हैं। इट ऑल्सो अलाउज अस टू बुक रूम्स कॉन्फ्रेंस हॉल्स और टेबल्स इन रेस्टोरेंट्स, ये हमें अलाउ करता है, हम रूम से बुक कर सकते हैं कॉन्फ्रेंस हॉल से बुक कर सकते हैं, तो हम ट्रेन के अलावा भी कॉन्फ्रेंस हॉल्स टेबल्स बुक्स जैसे ओयो वगैरह होते हैं ये सब ऑनलाइन बुक कर सकते हैं।
दिस सेव अस फ्रॉम द हसल ऑफ रशिंग टू अ प्लेस एट द अर्लीस्ट बुकिंग ऑफ सीट। तो एकदम हसल से बच गया मैं, कहीं जाना नहीं पड़ेगा, टिकट लाइन में लगना नहीं पड़ेगा और बुक करना पड़ेगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। वी कैन नाउ चेक द अवेलेबिलिटी एंड बुक सीट्स एट योर ओन कन्वीनियंस। तो हम चेक कर सकते हैं कि सीट्स अवेलेबल हैं या नहीं किसी ट्रेन में, या रूम्स हैं अवेलेबल किसी होटल में या नहीं। तो अवेलेबिलिटी, तो हम चेक कर सकते हैं अवेलेबिलिटी और बुक कर सकते हैं सीट्स एट आवर ओन कन्वीनियंस। एडवांटेजेस ऑफ ई रिजर्वेशन, कन्वीनियंस, वी कैन बुक टिकट्स फॉर बसेस, फ्लाइट्स, ट्रेन, मूवीज, होटल रूम्स फ्रॉम एनीवेयर एट एनी टाइम। कहीं भी कर सकते हैं इन सब चीज़ों के लिए हम टिकट बुक, कहीं से भी कभी भी, बस एक प्रॉपर इंटरनेट कनेक्शन होना चाहिए आपके पास। ए वर्किंग इंटरनेट कनेक्शन इज ऑल दैट इज नीडेड। हाँ वही। स्कोप फॉर डिस्काउंट्स, ग्रोइंग पॉपुलरिटी ऑफ ई टिकटिंग इन द मार्केट इज गिवन राइज़ टू कॉम्पिटिशन अमंग द ई टिकटिंग वेबसाइट्स। तो पॉपुलरिटी हो रही है ई टिकटिंग वेबसाइट्स की, सब ऑनलाइन बुक करना चाहते हैं, तो कॉम्पिटिशन बढ़ गया सब वेबसाइट्स के बीच में जो ई टिकटिंग करती हैं। देयरफॉर एवरी वेबसाइट ट्राइज टू गिव द बेस्ट पॉसिबल डील बाई ऑफरिंग गुड डिस्काउंट्स ऑन देयर सर्विसेज। तो हर वेबसाइट ट्राई करती है कि वो अच्छा दे पाए डील और अच्छा ऑफर दे पाए अपने कस्टमर्स को, डिस्काउंट दे पाए। कस्टमर कैन ब्राउज थ्रू डिफरेंट वेबसाइट्स, कंपेयर देयर ऑफर्स एंड चूज अ डील बेस्ट सूटेड टू देम। तो कस्टमर्स के पास बहुत सारी वेबसाइट्स हो गई, बहुत सारे ऑप्शन हो गए, वे उनके सारे ऑफर्स देख के कि कौन सी वेबसाइट का अच्छा है, उसके बाद टिकट बुक कर सकते हैं जो उन्हें सबसे अच्छा लगे। क्विक एंड ईजी बुकिंग एंड ई टिकट हार्डली टेक्स अ फ्यू मिनट्स एंड मिनरल एक्सपर्टाइज, वन जस्ट नीड टू फॉलो द गिवन स्टेप्स एंड बुक अ टिकट। तो बस क्विक एंड ईजी है, बहुत जल्दी से हम कर सकते हैं, दो तीन मिनट भी नहीं लगते टिकट बुक करने में। कमीशन फी, कमीशन फ्री, देर इज नो मिडिल मैन इन्वॉल्व, देर बाई रिड्यूसिंग द कॉस्ट। कोई मिडिल मैन नहीं है, कोई बीच के जो दलाल होते थे वो कुछ नहीं है। फ्री कैंसिलेशन एंड ईजी रिफंड, टिकट्स कैन बी कैंसल्ड इफ नीड बी एंड द प्रोसेस ऑफ रिफंड इज यूजली क्विक एंड ईजी। तो जब मर्जी आप कैंसिल कर सकते हो टिकट, और प्रोसेस ईजी होता है रिफंड का भी, और क्विकली आ जाता है आपके पास। सम पॉपुलर वेबसाइट है प्रोवाइड ई रिजर्वेशन फैसिलिटी आर IRCTC, ये गवर्नमेंट साइट है रेलवेज के लिए, मेक माई ट्रिप, ट्रिवागो, रेड बस, बुक माई शो, यात्रा। हियर वी शैल लर्न अबाउट टिकटिंग बुकिंग अ टिकट ऑन www.irctc.co.in। दिस इज द ऑफिशियल ऑनलाइन बुकिंग वेबसाइट ऑफ द इंडियन रेलवेज। गिवन बिलो आर द स्टेप्स टू बुक एन ऑनलाइन टिकट इन द इंडियन रेलवेज। ओपन द वेब ब्राउजर एंड टाइप www.irctc.co.in इन द एड्रेस बार एंड प्रेस एंटर। तो हमने वेब ब्राउजर पर डाला और एंटर प्रेस करा, तो वेबसाइट ओपन हो गई हमारे पास IRCTC की। ऑन द टॉप राइट कॉर्नर यू कैन सी द मेन्यू आइकन नेक्स्ट टू IRCTC लोगो। ये रहा आपका मेन्यू आइकन, ये IRCTC का लोगो है और ये मेन्यू आइकन है। क्लिक ऑन इट एंड अ मेन्यू विल ओपन अप। तो क्लिक कराने और एक मेन्यू ओपन अप होगा। क्लिक ऑन लॉग इन, अ डायलॉग बॉक्स अपीयर विद टेक्स्ट फील्ड फॉर यूजर नेम एंड पासवर्ड। उसके बाद लॉग इन के लिए हमारे पास ऑप्शन आएगा, यू नीड टू एंटर योर यूजर नेम एंड पासवर्ड हियर, यू ऑल्सो नीड टू एंटर द कैप्चा। तो लॉग इन की ऑप्शन आई, यूजर नेम और पासवर्ड, फिर एक कैप्चा में OTP वगैरह करना होगा, फिर हमने साइन इन कर दिया। वंस यू फीड द डिटेल्स यू मे चूज द स्टेशन ऑफ योर डेस्टिनेशन, स्टार्टिंग पॉइंट, द डेट ऑफ जर्नी एंड द क्लास। क्लिक ऑन फाइंड ट्रेन्स, तो उसके बाद हम डाल देंगे हमारी कहाँ से स्टार्ट करनी है जर्नी, कहाँ हमारी डेस्टिनेशन है, कौन सी डेट को, और कौन सी हमें क्लास चाहिए ट्रेन की, फर्स्ट टायर, सेकेंड टायर, थर्ड टायर, AC, non-AC, स्लीपर, ये सब पूरी लिस्ट में से हम सर्च कर सकते हैं। अ लिस्ट ऑफ अवेलेबल ट्रेन्स आर डिस्प्लेड, यू मे क्लिक ऑन द चेक अवेलेबिलिटी एंड फेयर बटन टू गेट द डिटेल्स। तो लिस्ट आ जाएगी ट्रेन्स की, जैसे यहाँ पर है बहुत सारी आ गई, हम फिर हम चेक कर सकते हैं, यू मे क्लिक ऑन द अवेलेबिलिटी एंड फेयर, यहाँ पे अवेलेबिलिटी और फेयर का ऑप्शन आया है ये यहाँ पर। क्लिक ऑन द बुक नाउ बटन ऑफ योर डिजायर्ड डेट ऑफ ट्रेवल, अ न्यू स्क्रीन अपीयर्स। दिस टेक्स यू द टिकट डिटेल्स फॉर्म, गो थ्रू इट केयरफुली एंड फिल इन द डिटेल्स, स्क्रॉल डाउन वंस यू आर डन एंड प्रोसीड टू द नेक्स्ट पेज। ये रहा, यहाँ पे आपने पूरा आ गया डे नाइट कब की आपकी, फिर ये आ गई पैसेंजर डिटेल्स, आपको पूरा फॉर्म भरना पड़ता है। दिस पेज वेरीफाई द डिटेल्स, गो थ्रू द डिटेल्स एंड इंश्योर डेट दे आर करेक्ट, वंस डन क्लिक ऑन कंटिन्यू बुकिंग फॉर नेक्स्ट पेज। तो आपने पहले पैसेंजर डिटेल भर दी,
उसके बाद ये आपके ये कंफर्म करेगा आपसे, वेरीफाई करेगा, फिर आपने रिव्यू करने के बाद कंटिन्यू करना है कंटिन्यू बुकिंग। फिर पेमेंट आता है, दिस इज़ द पेमेंट पेज एंड यू कैन सिलेक्ट द मोड ऑफ पेमेंट एंड पे द फेयर टू द कंप्लीट द ट्रांजेक्शन। दिस पेज आपको वेरी डिटेल्स टू मेक द ट्रांजेक्शन पॉसिबल, एंटर दैम केयरफुल एंड प्रोसीड। तो फिर पेमेंट ट्रांजेक्शन आते हैं, पेमेंट मोड आ गया कि आपको बैंक से करना है, भीम UPI है, मल्टीपल पेमेंट, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग, कैश कार्ड, पे ऑन डिलीवरी, बहुत सारे होते हैं, इससे आप सिलेक्ट कर लीजिए। देन यू विल रिसीव एन ईमेल विद द ई टिकट विच यू नीड टू प्रिंट अ प्रेजेंट टू द टिकट चेकर ड्यूरिंग योर जर्नी। तो हमें एक ईमेल रिसीव होगा, उसमें हम अपना ये टिकट प्रिंट करेंगे और डाउनलोड कर सकते हैं, और हमें वही मतलब डाउनलोड करने के बाद उसका प्रिंट निकालने के बाद TC को वही दिखाना होता है। ऑलवेज कीप एन आइडेंटिफिकेशन प्रूफ एज इट माइट बी रिक्वायर्ड, और हमेशा कोई आइडेंटिफिकेशन प्रूफ में चाहिए, आधार कार्ड, DL, पासपोर्ट, कुछ भी। इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस फॉर ई रिजर्वेशन, अ सीनियर सिटीजन कैन अवेल द सीनियर सिटीजन कंसेशन बाय क्लिकिंग द बॉक्स इन द सीनियर सिटीजन ऑप्शन। तो कंसेशन होता है सीनियर सिटीजन के लिए, कुछ पैसे कम होते हैं उनके लिए, तो वे वहाँ पे अपना अवेल कर सकते हैं उस ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। वाइल प्रोसेसिंग द पेमेंट मेक श्योर दैट द होल प्रोसेस इज कम्प्लीटली सक्सेसफुली एंड योर ई टिकट इज जनरेटेड। और पेमेंट करते समय ना आप ऐसे बीच में क्रॉस या बैक नहीं करना, जब हो जाए ना पूरा प्रोसेस उसके बाद कंप्लीट होने के बाद प्रिंट करने के बाद तब जाके ये सब बैक करना है, क्रॉस करना है। वेल द पेमेंट इज इन द स्टेज ऑफ प्रोसेसिंग डू नॉट प्रेस द बैक और रिफ्रेश बटन, यही जो मैंने अभी आपको बताया। समटाइम द पेमेंट प्रोसेस टेक्स टाइम, बी पेशेंट। इट इज़ मैंडेटरी फॉर एवरी पैसेंजर टू कैरी एन आइडेंटिटी प्रूफ ड्यूरिंग द जर्नी, और हमें अपना एक आइडेंटिटी प्रूफ हमेशा लेके साथ चलना चाहिए, आधार कार्ड ले सकते हैं, पासपोर्ट, DL, पहचान पत्र जैसे होते हैं, कुछ भी, वोटर ID कार्ड भी चल सकता है। थैंक यू।